हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कर रही हूँ मेवलिन नियोक फिटमी फाउंडेशन का रिव्यू। मैंने जो सेट पकड़ा हुआ है वह 28 नंबर है। यदि आप दूसरे सेट भी परचेस कर सकते हो उस अपने स्किन टोन के हिसाब से। यदि आपकी स्किन इंडियन फेयर है तो आप 128 यूज़ कर सकते हो नंबर। यदि आपकी थोड़ी और भी फॉरेन टाइप में स्किन है, फेयर है, तो आप 115 यूज़ कर सकते हो। इसके एक और अपर नंबर आता है तो इसे यूज़ कर सकते हो। और इसके नीचे भी आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। उस आप जब भी परचेस करोगे तो एक बार ज़रूर आप एक बार अपने हैंड में ट्राई कर लेना। जब आपके यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन मैच होती है हमेशा, तो आप यहाँ पर ट्राई करना कि आपके कौन सी स्किन टोन है। और यदि आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो वहाँ पर भी आपके सेट नंबर लिखे हुए रहते हैं और के फोटोज बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि कौन सा आप परचेस कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से आपको मिल जाने वाला है। तो ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। और आप मार्केट से, मैं तो बोलूंगी आप मार्केट से ही ज्यादा परचेस करने में रहो इसे, क्योंकि फाउंडेशन क्या होता है, आप ट्राई करके थोड़ा हैंड में ट्राई करके देख लो कि आप पे कौन सा सूट करा, तब आप लोगे तो परफेक्ट होता है। और यदि आपको सेट पता है तो आप ऑनलाइन परचेस बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल इसमें देरी मत करना। तो गाइज देखो, इसका पैकेजिंग इस तरह से छोटे पैकेजिंग में आता है, इसका बड़ा पैकेजिंग भी आता है। जो ये छोटा पैकेजिंग आपको दिख रहा है, इसका प्राइस है 299 और ये 18 ml का है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ही रहता है, बिकॉज मेवलिन न्यूयॉर्क का है तो ऑफकोर्स थोड़ा रेट भी ज़्यादा ही होता है। तो ऑफकोर्स फाउंडेशन थोड़ा आप हाई लेवल का ही लो, बिकॉज ये अच्छा कवरेज देगा। और आप हमेशा कभी वेडिंग या फिर कोई फंक्शन में जाते हो तो हमेशा अपने स्किन को कवरेज वाला ही दो, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसको आप ज़रूर थोड़ा अच्छा में ही लेना, ठीक है। तो आपको मैं अब ओपन करके दिखाती हूँ। इसका पैकेजिंग तो आपने देख लिया है, तो अब इसे ओपन करके दिखाते हैं कैसा है। पहले लगाऊंगी तो पहले मैं अपना रोज़ वाटर लगा लेती हूँ स्किन पे, बिकॉज मेरे पास प्राइमर नहीं। आप कभी भी मेकअप करते हो, फाउंडेशन लगाते हो, तो हमेशा प्राइमर लगाया करो। यदि प्राइमर नहीं है तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कोई मेकअप पहले से किया हुआ नहीं है, अपने फेस को वॉश कर रखा है, लिपस्टिक लगाया हुआ है बस। और अभी मैं लगा ले रही हूँ वाटर। वाटर को आपको थोड़ा सा कॉटन से इस तरह से लगा लेना है, आपको मेल्ट नहीं करना है, इसको इस तरह से रहने देना है थोड़ा देर। और इसे 5 मिनट तक सूखने देना है अपनी स्किन पे, इसको हटाना नहीं है, इसे इस तरह से सूखने देते हैं, फिर 5 मिनट बाद हम उसे लगाएंगे, ठीक है। गाइस मेरी रोज वाटर सूख चुकी है, अब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। ऑफकोर्स आप कुछ ना कुछ लगा दो, ताकि इसमें जो केमिकल यदि होगी भी, यदि आपके स्किन को हार्म भी नहीं करती है, साथ ही साथ आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, मतलब फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग लगता है, तो आप प्राइमर या फिर रोज वाटर कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में ही आपको लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। तो पहले देखते हैं, इसको टैप टैप करके हर जगह आपको लगा लेना, थोड़ा सा और लेना होगा। लगा लिया है, अब इसको आप ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी और चीज़, मतलब ब्लेंडर से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी ब्रश से ही आपको मेल्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये आपको पूरा किट मिल जाता है इसका, ये हेलो किटी मिनी ब्रश किट के में से है। इसका मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप परचेस करना चाहें तो बहुत ही बजट कम में मिलता है, तो आप परचेस करना चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो आप देख सकते हो मैं वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से कम बजट वाला, जिसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। तो परफेक्टली ये ब्लेंड हो रहा है। आप ब्रश से ब्लेंड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होती। ब्लेंडर से यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है ब्लेंड होने में, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा कवरेज देता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो चुके हैं। मेरी स्किन टोन के हिसाब से देखिए, मेरी स्किन टोन के हिसाब से ही मैंने लिया हुआ था। अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी फाउंडेशन लेना, ज़्यादा अपर भी मत लेना, ज़्यादा लो भी मत लेना। इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया, आप देखो जो हाथ में लगे हैं इसे भी ब्लेंड कर देते हैं। देखिए हाथ के, आप देखो यहाँ और यहाँ के स्किन में कितना अंतर है। तो ऑफकोर्स आपके चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो आता है, देख सकते हो। बिल्कुल हाई कवरेज देता है ये फाउंडेशन, तो आप जरूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। मेवलिन का है, आप ब्रांड पे भी भरोसा कर सकते हो, बहुत ही अच्छे है। प्राइस लगता है, मैं जानती हूँ कि प्राइस बहुत हाई है इसके, मगर परफेक्ट है। थोड़ा सा स्किन के लिए आपको थोड़ा प्राइस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, बहुत ही दिनों तक चलता है। गाइज बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आप देख रहे होगे, बहुत ही खूबसूरत फेस में निखार आ गई है।
तो मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद पाउडर आप लगा लोगे थोड़ा सा और भी अच्छा निखार आ जाएगा। मैं बस फाउंडेशन लगा के आपको दिखा रही हूँ कि ये कवरेज बहुत अच्छा देता है, ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ लुक है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत अच्छे चमक ले आता है। तो आप जरूर इसे ट्राई करना, बहुत ही परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने जैसे बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मिल जाने वाला है। तो गाइज ऐसे ही मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू मिलते हैं, हेयर स्किन हेल्थ से रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो चाहिए तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।